प्रदेश में अक्सर पिटाई के मामले सामने आते रहते हैं। लोग भीड़ तंत्र का शिकार हो जाते हैं। अक्सर लोग दोषी को सजा देने के लिए कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। वहीं ताजा मामला सहारनपुर का है, जहां फर्जी अधिकारी बनकर आंगनबाड़ी पहुंचे युवक की जमकर पिटाई हुई। दरअसल मामला देवबंद कोतवाली क्षेत्र के नूरपुर स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय का है, जहां मंजूर अहमद नामक युवक स्वयं को अधिकारी बताते हुए आंगनबाड़ी कार्यालय पहुंचा, जिसके बाद मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के रजिस्टर चेक करने लगा। लेकिन शक होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने फर्जी अधिकारी से पूछताछ शुरू की, तो फर्जी अधिकारी ने महिलाओं के साथ अभद्रता करने लगा, जिससे गुस्साई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने हंगामा करते हुए फर्जी अधिकारी की धुनाई शुरू कर दी। महिलाओं का आरोप था कि फर्जी अधिकारी 1,000 रुपए की मांग कर रहा था। इसी दौरान पहुंचे कुछ लोगों ने गुस्साई महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गुस्साए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने आरोपी को कमरे में बंद कर घंटों तक बंधक बनाए रखा। साथ इसलिए मारपीट गई, ये गांव खटोली गांव से है और ये इस्लामुद्दीन के नाम से है और ये बिना सुझाव के, यानी कि 2 महीने बिना लेटर के आंगनवाड़ियों को के रिकॉर्ड चेक कर रहा है। इन्हें बार बार मैडम वो कर रही है कि इन रिकॉर्ड लेके आओ। अब आप क्या चाहते हैं, क्या मतलब? हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे आवे ना, इसका काम नहीं है, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आई, कोई वो नहीं है, ये आने और पैसे मांग रहा है और औरतों पर हमला कर रहा है। तो ये सर अधिकारी नहीं है? नहीं, ये कोई नहीं है, ये अन्य व्यक्ति है, गाँव खटोली का है, कोई मुसलमान गुज्जर है। आपने शिकायत नहीं की है अधिकारी? हमारी अधिकारी ये कहती है वो बार बार मांग रहा है, अधिकारी कोई इसकी शिकायत नहीं कर रहा। हमने अधिकारी से भी बात कर ली, सुपरवाइजरों को बताया गया कि 10 रुपए का नोट लगाकर इसने लेटर भेजे गए किसकी 10 आंगनबाड़ियों के नाम से, लेकिन किसी भी सुपरवाइजर या CDPO ने कोई लेटर आंगनबाड़ियों को नहीं दिखाया। आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी CDPO या सुपरवाइजर एक तो अत्याचार न करवाए और इसे यहाँ से भगवाए, ये यहाँ से बाहर आना चाहिए। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने गुस्साई आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को समझाया और फर्जी अधिकारी को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों से छुड़वाया और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उन्होंने शिकायत करी है कि इस्लाम मलिक नाम का आदमी है, उसने कुछ साल पहले 10 साल की कुछ महीने पहले आया था एक बार और से सूचना मांग रखा था 10 साल की 2008 से लेकर 2018 तक की, हमने क्या क्या काम किया है इस तरह की सूचना लगाया नहीं कर दिया था। जो उनकी मैडम ने यहाँ पर जो इंचार्ज हैं उन्होंने कहा कि इतने दिन का मतलब कि हम नहीं दे सकते आपको फोटो स्टेट और ये बल्कि यहीं आ जाएंगे सब चेक कर लेंगे तो सही रहेगा। इस तरह करके आज आदमी आ गए यहाँ पर और उनकी सीट पर बैठ के लोगों से मतलब उनके डॉक्यूमेंट वगैरह मांग लिए गए। शक होने पर उन्होंने पूछा भाई किस हैसियत से मांग रहे हैं आप, कौन है और हम आपको किस लिए दिखा रहे हैं, क्या थे इस मामले में बातचीत हुई तो ये फिलहाल पुलिस ने आंगनबाड़ी महिलाओं की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी थाना नागल क्षेत्र के गांव खटोली का रहने वाला है। पंजाब केसरी TV के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट।